नमस्कार दोस्तों, महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं बीच में आप लोग के बीच में ब्लॉग लेकर नहीं आ पाया, बहुत ही दुखद घटना हमारे साथ हो गई थी। हमारे बीच से माता जी का स्वर्गवास हो गया था, इसी चलते मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। दोस्तों आइए इस ब्लॉग में आपको लेकर चलता हूँ कि सभी चीज़ों का, चाहे वो इंसान हो चाहे मौसम हो, स्टार्टिंग जैसे कि वो बचपना से स्टार्ट होता है और उसके बुढ़े तक उसकी समाप्ति होती है, इसी तरह से यह मौसम है। जैसे कि मौसम में भी बचपना होती है, जवानी होती है और बुढ़ापा होती है। इसका संकेत हमें कैसे मिलता है? इसका संकेत प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा ही हमें मिलता है। जैसे कि लोग बताते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों, और दिखता भी है कि हाँ वाकई में ये चीज़ इस सीज़न में ही निकला, यानी कि अब हमारी बरसात बुढ़ी हो चुकी, यानी कि आषाढ़ लगा था तो उस समय बरसात बचपना था, अच्छा पानी गिरा आषाढ़ में, सावन में जवान हुआ, अभी भादो महीना चल रहा है, भादो महीना में धीरे धीरे अब बरसात बुढ़ापे की ओर आ चुका है। आपको मैं काशी के फूल जब बरसात में खिलते हैं तो संकेत बताता है कि बरसात अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो आइए हम काशी के फूल को भी दिखाते हैं कि किस तरह से काशी के फूल खिले हुए हैं। जो शहरों में रहते हैं वो तो फूल इनके नहीं देख पाते हैं, मगर हम लोग गाँव देहात वगैरह में रहते हैं तो हमें ये फूल दिख जाता है बहुत आसानी से। आइए हम आप लोगों को काशी के फूल का दर्शन कराते हैं, और इसका पूजा में भी ये उपयोग किया जाता है काशी के फूलों को, जैसे कि हर छठ में भी इसका अति उपयोग किया जाता है। आइए काशी के फूलों को दिखाते हैं मैं आप लोगों को। इतना मनोरम दृश्य मन को मोह ले रही है, प्राकृतिक की ये दृश्य प्राकृतिक की होती है, वाकई में मनमोहक हो जाती है, देखकर मन खुश हो जाती है। कितनी लुभावनी सुंदर दृश्य मन को मोह ले रही है। सभी लोग जा रहे हैं आज काशी के फूल को ही खोजने, हमारे साथ में है हमारे ड्राइवर साहब ऋषि जी के, और वो जो बगल में आपको दिख रहे हैं ना बहुत ही शानदार है ट्रैक्टर ड्राइवर। उन सभी तीनों लोग जा रहे हैं, आज हम लोग मूड बनाएंगे काशी के फूल जहाँ भी होगा हम खोजेंगे, चलते हैं काशी के फूल को। देखिए कितना सुंदर नज़ारा रोड का, काशी के फूल खोजने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब काशी के फूल को थोड़ा सा और जगहों पे देखा हूँ, वहाँ पे पहुँच जा रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को काशी के फूल को दिखाता हूँ। थोड़ा सा जाने में तो समय लगता ही है, नदी किनारे या खेतों किनारे ही ये फूल पाए जाते हैं, धूप भी ज़्यादा थी, अब पहुँचने ही वाला हूँ। काशी के फूल को देखने आए थे, अब बीच में मकई की भी खेती बरसात में, देखिए ये मक्का है भुट्टा, इसको इंग्लिश में पॉपकॉर्न भी कहते हैं, ये कंप्लीट के कगार में होने वाला है। ये देखिए मकई लगा हुआ है, इसके बाल के पेड़ों में हूँ मैं, कई है ये देखिए, थोड़ा सा पानी वर्षा कम हो रही है, थोड़ा सा रिमझिम पानी हो तो मकई वगैरह अच्छा होता है, मगर मकई फल गया है, कंप्लीट होने के कगार में है। ये दोस्तों ये तिल है, ये फूल गया है, ये तिल है, और जगहों पे तिल है, ये देखिए तिल, उसके साथ साथ रहर की भी खेती हो रही है, रहर लगा दिया गया है। ये तिल है, छोटे छोटे इसमें दाने बैठ रहे हैं। अब चलते हैं आगे, ये देखिए दोस्तों आ गया काशी का फूल,
काशी के फूल को बहुत खोजने के बाद मिला। चारों तरफ काशी के फूल इतने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं पूरा काशी ही काशी यहाँ पे फूला हुआ है। ये देखिए इसके फूल को बारीकी से, और जगह पर चलता हूँ। काशी के फूल, ये चारों तरफ काशी के फूल लहरा रहे हैं हवा में, बहुत ही सुंदर ये दिख रहे हैं। ये खेतों में इसकी खेती नहीं होती है, ये जंगलों में खेतों किनारे भी ये पाए जाते हैं और वहीं पर ये निकाल लिया जाता है। इसका झाड़ू बनाने में और तीज त्योहारों में भी इसका उपयोग किया जाता है, छठ वठ में, हर छठ वगैरह में। ये हैं काशी के फूल। आप लोग तो बहुत सारे फूल देखे होंगे, मगर इस ये काशी के फूल को आप नहीं देखे होंगे। जो गांव के करीब का रहा होगा उनको मालूम होगा ये काशी के फूल। देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये काशी के फूल है। ये देखिए पूरे आपको दूर से दिखता होगा कि रुई है, मगर ये काशी के फूल हैं। इसका उपयोग झाड़ू और पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये है काशी, ये चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। कितनी सुंदर दृश्य काशी के फूल का दोस्तों। काशी के फूल कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये कितने सफ़ेद रंग के ये फूल हैं। ये मकई की खेती की हुई है चारों तरफ, बरसात में ही होता है और बरसात में ही काशी के फूल भी निकलते हैं। मकई इंग्लिश में पॉपकॉर्न कहते हैं, कंप्लीट होने के कगार में यह है। और काशी के फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, खिले हुए हैं। एक काशी ही काशी जो सफ़ेद रंग की है, एक काशी है दोस्तों। काशी के फूल खिले हुए हैं, शाम हो चुकी है। ये देखिए काशी चारों तरफ खिले हैं, हवा में भी कैसे लहरा रहा काशी, मन को मोह ले रहा। काशी के फूल कितने हवा में मस्त मिजाज में हैं। ये काशी के फूल हैं, बहुत ही सुंदर ये काशी के फूल। इनका उपयोग आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ में भी किया जाता है, झाड़ू बनाया जाता है दोस्तों। ये काशी के फूल के नाम पे लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, ये कैसा लगा ब्लॉग आप हमें अवश्य सूचित करें। काशी के फूल दोस्तों, ये काशी का फूल आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। फिर हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महाकाल। काशी के फूल अच्छे लगे।